हेलो फ्रेंड्स, कंप्यूटर के बेसिक कोर्स में आप सबका स्वागत। कंप्यूटर के बेसिक कोर्स में हम लोग जान रहे थे एमएस पेंट के बारे में, तो चलिए फ्रेंड्स आज हम लोग जानेंगे कट कॉपी पेस्ट के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैं अब सिंपली टाइप कर दूंगी पेंट। देखिए फ्रेंड्स हमारा आ चुका है और मैं इंटर प्रेस कर दूंगी, हमारा पेंट खुल जाएगा। पहले कुछ शेप्स बना लेती हूँ। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स मैंने शेप बना लिया, अब मैं इसे कलर कर लेती हूँ। आपको जो कलर अच्छा लगे आप वो फिल कर सकते हैं। देख सकते हैं फ्रेंड्स मैंने शेप्स बना लिया और उसे कलर भी कर लिया। तो फ्रेंड्स चलिए जानते हैं हम लोग कट कॉपी पेस्ट के बारे में। कट का यूज हम लोग एक जगह से दूसरे जगह ले जाने के लिए करते हैं, तो उसके लिए पहले हमें सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स मैं यहाँ पे सिलेक्ट पे क्लिक करती हूँ और मैं इसे रेक्टेंगल सिलेक्ट में क्लिक करके और मैं अपने शेप को सिलेक्ट कर लेती हूँ। देख सकते हैं हमारा शेप सिलेक्ट हो चुका है फ्रेंड्स, और मैं यहाँ से कट कर दे। देख सकते हैं फ्रेंड्स हमारा शेप यहाँ से गायब हो चुका है। अब मैं यहाँ पे पेस्ट में जाकर पेस्ट कर दूंगी। देख सकते हैं फ्रेंड्स अब इसे जहाँ भी आपको रखना आप रख सकते हैं। देख सकते हैं फ्रेंड्स मैं इसे यहाँ रख देती हूँ। तो उसी तरह फ्रेंड्स अब हम लोग जानते हैं कॉपी के बारे में। उसके लिए मैं एक और शेप को सिलेक्ट कर लेती हूँ। देख सकते हैं फ्रेंड्स मैं इसे जैसे रेक्टेंगल सिलेक्ट करती हूँ हमारा कुछ हिस्सा इसका आ जा रहा है, कुछ इस शेप का आ जा रहा है। तो मैं चाहती हूँ कि ये हमारा ओनली यही शेप आए, तो उसके लिए फ्रेंड्स हम लोग पहले मैं इसे अंडू कर देती हूँ यहाँ से। देख सकते हैं फ्रेंड्स और मैं यहाँ पे सिलेक्ट में जाऊंगी और मैं यहाँ पे फ्री फ्रॉम सिलेक्शन में क्लिक करूंगी और इसे फ्रेंड्स जिसे भी मुझे सिलेक्ट करना है मैं इसे अपने हिसाब से इसे अपने माउस की मदद से उसे इस तरह से जो भी हमको सिलेक्ट करना है हम इसे इस तरह सिलेक्ट कर लेंगे। देख सकते हैं फ्रेंड्स अब हमारा ओनली यही सिलेक्ट है और हम इसे इजिली मूव कर पा रहे। तो जैसे ये सिलेक्ट हो चुका है फ्रेंड्स अब हम लोग जानते हैं यहाँ जो कॉपी दिख रहा है फ्रेंड्स इस पे क्लिक कर देते हैं। ये हमारा वैसा ही और यहाँ पे हम पेस्ट पे क्लिक कर देते हैं। फिर देख सकते हैं हमारा कॉपी हो चुका है। अगर आपको और चाहिए फ्रेंड्स आप यहाँ से एक और बार पेस्ट कर सकते हैं, इसके लिए दोबारा कॉपी करने की कोई जरूरत नहीं है। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स मैं इसे जितनी बार यहाँ से चाहूँ पेस्ट कर सकती हूँ। दोबारा पहले की तरह करने के लिए फ्रेंड्स हम लोग यहाँ से अंडू पे क्लिक कर देंगे। देख सकते हैं फ्रेंड्स ये पहले की तरह हो गया। सिलेक्ट में भी बहुत टाइप के, तो उसमें हम लोग रेक्टेंगल सिलेक्शन के बारे में फ्री फ्रॉम सिलेक्शन के बारे में जाना। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे सिलेक्ट ऑल है। जैसे ही मैं यहाँ इस पे क्लिक करेंगे हमारा पूरा पेज सिलेक्ट हो जाएगा और यहाँ पे मैं सिलेक्ट में दोबारा जाके जैसे मैं डिलीट कर दूंगी सारा डिलीट हो जाएगा। तो दोबारा सबको लाने के लिए यहाँ पे मैं अंडू कर दूंगी फ्रेंड्स। देखिए हमारा वापस आ गया फ्रेंड्स। अब हम लोग जानते हैं ट्रांसफॉर्म सिलेक्शन के बारे में, इसका यूज कैसे करें। तो सबसे पहले मैं शेप को सिलेक्ट कर लेती हूँ, यहाँ पे क्लिक करके मैं रेक्टेंगल सिलेक्ट में क्लिक करके शेप को सिलेक्ट कर लेती हूँ। देख सकते हैं फ्रेंड्स सिलेक्ट हो चुका है और देखिए फ्रेंड्स मैं इसे जैसे मूव यहाँ से दूसरी जगह मूव कर रही हूँ हमारा व्हाइट बैकग्राउंड भी इसके साथ ही मूव हो रहा है, बट मैं चाहती हूँ ओनली हमारा शेप मूव व्हाइट बैकग्राउंड नहीं। उसके लिए फ्रेंड्स हम लोग यहाँ पे सिलेक्ट में जाएंगे और ट्रांसफॉर्म सिलेक्शन में क्लिक कर देंगे। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स हमारा ओनली शेप मूव हो रहा है, व्हाइट बैकग्राउंड मूव नहीं, और हम यहाँ से जहाँ भी रखना हम मैं इसे इजीली रख सकती हूँ। देख सकते हैं फ्रेंड्स। तो अब जानते हैं फ्रेंड्स हम लोग इन्वर्ट सिलेक्शन के बारे में। उसके लिए फ्रेंड्स हम लोग पहले शेप को सिलेक्ट कर लेते हैं। देख सकते हैं फ्रेंड्स और हम लोग सिलेक्ट में जाके इन्वर्ट सिलेक्शन में क्लिक कर देंगे और मैं चाहती हूँ हमारा ये शेप छोड़कर बाकी जो भी है सारा इरेज हो जाए। तो मैं सिलेक्ट में दोबारा जाऊंगी और डिलीट पे क्लिक कर। देख सकते हैं फ्रेंड्स हमारा सारा शेप डिलीट हो चुका है। दोबारा से सबको लाने के लिए फ्रेंड्स हम लोग यहाँ अंडू पे क्लिक कर देंगे। देख सकते हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स अब हम लोग जानते हैं क्रॉप के बारे में। क्रॉप का यूज फ्रेंड्स मुझे इस शेप को अगर अलग से दिखाना हो उसके लिए यूज करते हैं। तो उसके पहले हम शेप को सिलेक्ट कर लेते हैं फ्रेंड्स और हम लोग क्रॉप पे क्लिक कर। देख सकते हैं फ्रेंड्स हमने जो शेप सिलेक्ट किया था बस वही रह जाता है, बाकी सारा चला जाता है। दोबारा से बैक आने के लिए हम लोग यह अंडू पे क्लिक कर देंगे। अब जानते हैं हम लोग रिसाइज के बारे में। रिसाइज का यूज हम लोग किसी भी शेप को छोटा या बड़ा करने के लिए करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग शेप को सिलेक्ट कर लेते हैं। तो हमने शेप को सिलेक्ट कर लिया, अब हम लोग रिसाइज पे क्लिक कर देते हैं। ये परसेंटेज में दिया है फ्रेंड्स, तो 100 लिखा हुआ, तो आपको जितने भी छोटा करना है या बड़ा करना आप कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे हाफ करती 50% कर देती और मैं ओके पे क्लिक कर देती। देख सकते हैं फ्रेंड्स हमारा शेप छोटा हो चुका है। आप चाहते हैं फ्रेंड्स इसकी ये जो शेप है इसकी हाइट सेम रहे बट विड्थ कम हो जाए, मतलब इसकी लंबाई जो है वही रहे बट चौड़ाई कम हो जाए। तो उसके लिए फ्रेंड्स मैं इसे पहले सिलेक्ट कर लेती हूँ और रिसाइज पे क्लिक करती हूँ और फ्रेंड्स हमें दोनों में अलग अलग चेंज करने के लिए हमें इस पे क्लिक करना होगा। तो ये जो फ्रेंड्स आपको हॉरिजॉन्टल दिख रहा होगा ये हमारी चौड़ाई है और वर्टिकल जो है ये हमारी लंबाई है। तो यहाँ पे हम लोग फ्रेंड्स
कर देते हैं 50 और इस पे पहले हम लोग क्लिक कर लेते हैं और इस पे हम 100 ही रहने देते हैं और ओके पे क्लिक कर देते हैं। देख सकते हैं हमारी लंबाई जितनी थी वो इतनी ही रहती है बट चौड़ाई कम हो जाती है। अगर फ्रेंड्स मैं किसी भी शेप को बिना सिलेक्ट किए हुए अगर रिसाइज पे क्लिक करती हूँ तो फ्रेंड्स देखिए क्या होता है। यहाँ पे मैं 50 कर देती हूँ और ओके। तो देखिए फ्रेंड्स शेप तो छोटा होता है साथ ही हमारा पेज भी छोटा हो जाता है। तो अगर आपको पेज भी छोटा करना और तो आप यहाँ पे वैसे कर सकते हैं और अगर आपको पर्टिकुलर कोई एक शेप करना हो तो आप वैसे जैसे मैंने बताया वैसे भी कर सकते हैं। दोबारा से बैक आने के लिए अंडू पे क्लिक कर देंगे। अब जानते हैं फिर रोटेट के बारे में। उसके लिए मैं कुछ शेप बना लेती हूँ। तो रोटेट का यूज फ्रेंड्स पहले हम शेप को सिलेक्ट कर लेते हैं। कुछ सिलेक्ट कर लिया और मैं यहाँ पे रोटेट पे क्लिक करती हूँ और रोटेट राइट 90 डिग्री। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स हमारा ये शेप 90 डिग्री की ओर घूम चुका है। अगर आप चाहते हैं इसे लेफ्ट 90 डिग्री तो देखिए फ्रेंड्स ये जैसा था वैसा ही हो जाता है। तो अब फ्रेंड्स हम लोग जानते हैं यहाँ फ्लिप वर्टिकल और फ्लिप हॉरिजॉन्टल के बारे में। तो उसके लिए फ्रेंड्स मैं इसे शेप को सिलेक्ट कर लेती हूँ और फ्लिप वर्टिकल। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स ये हमारे राइट साइड से लेफ्ट साइड की ओर घूम जाता है। ये जो हमने शेप बनाया फ्रेंड्स इसे मैं अगर फ्लिप वर्टिकल करती हूँ तो देख सकती है ऊपर से नीचे की ओर आ जाता है। देख सकते हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स अब तक हम लोग जाना क्लिप बोर्ड इमेज टूल्स शेप्स कलर इन सब के बारे में हमने जाना। इन सब की मदद से फ्रेंड्स आप ये इमेज बना सकते हैं। उन सारे टूल्स की मदद से फ्रेंड्स मैंने ये शेप बनाया है। ये चित्र मैंने कैसे बनाया है इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो डाल दूंगी फ्रेंड्स। तो आप भी बनाने की कोशिश कीजिएगा फ्रेंड्स। तब तक के लिए अगर फ्रेंड्स आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। एंड हाँ फ्रेंड्स कंप्यूटर रिलेटेड कोई भी वीडियो अगर आपको देखना हो तो प्लीज हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।